आप सभी का स्वागत है प्लांट्स एंड फ्लावर्स में। अडेनियम प्लांट पर जब फूल आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी कमियों की वजह से अडेनियम प्लांट पर फूल नहीं लगते। अगर आप अडेनियम प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर्स लेना चाहते हैं तो आज का मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। ये एनपीके 13045 है। इसको आधा चम्मच एक लीटर पानी में मिक्स कर लेंगे। यह फर्टिलाइजर हमारे प्लांट को फ्लावरिंग के लिए बूस्ट करता है और प्लांट्स पर ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं। आपको यह फर्टिलाइजर मार्केट में ना मिले तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब इस फर्टिलाइजर को सभी अडेनियम प्लांट पर स्प्रे करेंगे। स्प्रे प्लांट पर अच्छी तरह करना है। स्प्रे हमेशा शाम के समय करना है। स्प्रे करने के बाद और कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। इस फर्टिलाइजर को सिर्फ महीने में एक बार देना है। 30 दिन बाद दोबारा से स्प्रे करना है। 10 दिन बाद इस तरह कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट प्लांट पर पड़नी चाहिए। ओवर वाटरिंग कभी ना करें। जब कलियां बन रही हो तो पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद कलियां ग्रोथ करने लगेगी और कुछ ही दिनों में प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर खिलने लगेंगे। जब फ्लावरिंग हो रही हो तो थोड़ा थोड़ा पानी रोज दें या एक दिन छोड़कर पानी दें। पानी की कमी से भी फूल जल्दी ही मुरझा जाते हैं। देखिए मेरे सभी प्लांट पर कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। आप भी इस तरह फर्टिलाइजर को अडेनियम पर एक बार जरूर डालकर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके प्लांट ने कैसे फ्लावरिंग की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।